मरना भी मंगलकारी हो तो जरा सोचिए जीवित अवस्था में रहना कितना शुभकारी होगा। ऐसा ही शहर है बनारस। शिव की नगरी काशी, वरना और 80 से बना वाराणसी। नाम कोई सा भी पुकार लो, लेकिन विश्व के इस प्राचीन शहर की पहचान, उसका आधार अल्हड़पन, भगवान के प्रति आस्था, खान पान मिलना जुलना, धर्म संप्रदाय से आगे जाकर हर किसी को सम्मान, सबका स्वागत। जी हां, कुछ ऐसा ही है बनारस। कितने ही रंग, कितनी ही विविधताएं खुद में समेटकर बस चले ही जा रहा है बनारस। शिया, सुन्नी, खुर्द, अहमदिया, सिख, ईसाई और पारसी भी यहां, और उसके बाद भी ये बनारस ही है। विश्व के 27 मजहब के लोग बनारस में बसते हैं। आस्थाओं का संक्रमण है बनारस। कहते हैं काशी में शांति है, लेकिन जो लेना चाहेगा उसके लिए सर्वोच्च स्थान है काशी। भारत की धार्मिक राजधानी है काशी। यहां से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। यहां जो भी आता है वो कुछ ना कुछ लेकर जाता है, देकर कुछ नहीं जाता। दरअसल वाराणसी का वास्तविक इतिहास शायद इतिहास के पन्नों से भी पुराना है। कहा जाता है कि वाराणसी विश्व के प्राचीन शहरों में से एक है। पुराणों के मुताबिक मनु से 11वीं पीढ़ी के राजा काश के नाम से काशी बसी। वहीं वाराणसी नाम पढ़ने के बारे में अथर्ववेद में वाराणसी को वर्णावती नदी से संबंधित बताया गया है। वर्णा से ही वाराणसी शब्द बना है। कुछ वरुणा और 80 नदी के बीच बसने की वजह से दोनों नदियों के नाम पर इसे वाराणसी शब्द समझते हैं। काशी के कई नाम प्रचलित हैं। काशी, बनारस, वाराणसी, अविमुक्त, आनंद कानन और शमशान या फिर महाशमशान। पुराणों और दूसरे ग्रंथों में भी इन नामों का जिक्र है। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि काशी सारे दुखों को समाप्त करने वाली मोक्षदायिनी नगरी है।
समग्र भारत प्रतिरूप के रूप में मौजूद है। ये समस्त दुखों को समाप्त करने वाली मोक्ष नगरी है। यह इस भूमंडल से बाहर है, यह पृथ्वी पर नहीं है। काशी अलग अलग कालों में समय के साथ और विकसित हो गई। 64 योगिनियों, 12 सूर्य, 56 विनायक, 8 भैरव, 9 दुर्गा, 42 शिवलिंग, 9 गौरी, महारुद्र और 14 ज्योतिर्लिंग वाला यह बनारस देश की सांस्कृतिक राजधानी है। बनारसियों का भौकाल और मस्त मौला व्यवहार दुनिया को अपने ठेंगे पर रखकर जीने के अंदाज को बयां करता है। और बनारसियों को और खास ये बनाता है कि यहाँ के सांसद ही देश के प्रधानमंत्री भी हैं। पवित्रता का पर्याय बना बनारस गंगा मैया की गोद में पलता है। माँ गंगा की अविरल धारा के साथ बनारस की निर्मलता प्रवाहित होती है। गंगा नदी के किनारे बनारस को बसना था या इस नदी को बनारस के किनारे बहना था, मालूम करना आसान नहीं है, क्योंकि बनारस ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां यह नदी उल्टी दिशा में यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कभी घाटों की सीढ़ियों पर अटखेलियां करती हुई तो कभी चमकीले रेत पर चढ़ती उतरती ये पवित्र नदी सभी धर्मों में पूजनीय है।